दोस्तों मोहम्मद सिराज और स्टीव स्मिथ के बीच काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है एक दूसरे के साथ। दोस्तों मोहम्मद सिराज काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं स्टीव स्मिथ के साथ, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सिराज काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। और दोस्तों आपको पता है स्टीव स्मिथ ने अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। और दोस्तों जब स्टीव स्मिथ ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की तो उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। और दोस्तों उससे अगले ही बॉल पर मोहम्मद सिराज और स्टीव स्मिथ के बीच थोड़ी सी लड़ाई देखने को मिली। दोस्तों स्टीव स्मिथ ने मोहम्मद सिराज को बैक टू बैक बाउंड्री लगाई, उसके बाद मोहम्मद सिराज काफ़ी गुस्सा में नजर आए, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सिराज काफ़ी दूर से रनिंग करके गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ अपने क्रीज से हट गए और मोहम्मद सिराज को वह गेंद दोबारा डालनी पड़ी। इस वजह से मोहम्मद सिराज गुस्सा करते नजर आए और दोस्तों मोहम्मद सिराज काफ़ी गुस्से में गेंदबाजी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स वहीं पर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड काफ़ी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और वह टीम इंडिया को अपना विकेट नहीं दे पा रहे हैं। और दोस्तों हमारी टीम इंडिया के सारे गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे हैं विकेट लेने की, लेकिन अभी तक उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आप भारतीय टीम के सच्चे फ़ैन और आप चाहते हैं कि भारतीय टीम WTC का फाइनल मुकाबला जीते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।